नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय उपाध्याय। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बॉलीवुड से बहुत दुखद खबर आ रही है कि सुरमा भोपाली उर्फ जगदीप जी का निधन हो गया है। जैसा आप सबको दोस्तों बता देता हूं कि शोले में बहुत बड़ी मूवी थी शोले, आप सबको पता ही होगा, बहुत फेमस है। उसमें उन्होंने सुरमा भोपाली का किरदार निभाया था जगदीप जी ने, और बहुत बड़ा नाम कमाया है। कॉमेडियन बादशाह रह चुके हैं और वो मिथुन दा के साथ भी कई मूवी कर चुके हैं। तो आप सबको मैं बता देता हूं कि दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कह देता हूं कि ये जो 2020 आया हुआ है, इतना ख़राब जा रहा है, वो ऑल इंडिया, ऑल ओवर पूरे इंडिया, वर्ल्ड पूरे सबके लिए बहुत ख़राब है। और ख़ासकर तो बॉलीवुड में हमने कई अच्छे अच्छे सितारे भी खो दिए हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के करेक्टर खो दिए हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत, और अभी हाल ही में कोरियोग्राफर का भी निधन हुआ था, उससे पहले ऋषि कपूर, और ऐसे कई लोग थे जिनका निधन हो गया है। और हमने बॉलीवुड के भी कई लोगों को खो दिया है, और कहीं ना कहीं कोरोना से भी बहुत बुरा हालत हो रहा है। पूरा इंडिया जूझ रहा है, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, और अगर देखा जाए तो अपने इंडिया में ही ले लेते हैं तो बहुत बुरा हालत है। 2020 तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या करवा के माने गए। तो अभी हाल ही में सुरमा भोपाली जगदीप जी का निधन हो गया था, और मिथुन दा के साथ भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने की हुई थी। मिथुन दा के साथ सुरमा भोपाली जी की कौन सी मूवी थी, और बहुत जानी मानी भी अच्छी मूवी गई थी, वो दीवाना तेरे नाम का 1987 में ये मूवी आई थी, जिसमें सुरमा भोपाली उर्फ जगदीप जी का अच्छा रोल निभाया गया था, उन्होंने अच्छा किरदार निभाया था। और मिथुन दा के साथ कई मूवी आई हैं उनकी, सुरमा भोपाली उर्फ जगदीप जी की। तो ऐसे ही उन्होंने ऐसे अपने यादगार छवि छोड़ के जैसे वो इस दुनिया से चले गए हैं। यार, जाना वैसे बनता नहीं है, पर हम सब 2 मिनट का शौक बनाएंगे उनकी याद में, हम 2 मिनट का शौक मौन धारण करते हैं। तो दोस्तों, आप सब से मैं उम्मीद करूँगा कि 2 मिनट का मौन धारण करें, क्योंकि इस 2020 सबके लिए बहुत ख़राब चल रहा है। हमारे आपके बॉलीवुड से लेके हर गलियारों में देख लो, सबके लिए बहुत ख़राब जा रहा है। तो दोस्तों, यही सब बात थी। और बता देता हूँ, सुरमा भोपाली का निधन जब हुआ था तो वो मुंबई में एक हॉस्पिटल के अंदर उनका निधन हुआ था। नॉर्मल निधन थी, ऐसा कोई है नहीं है कि कोई सिम्टम्स पाए गए थे, नॉर्मल निधन थी। वो ऑलरेडी उनकी एज भी बहुत ज़्यादा ही हो गई। आपको एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि सुरमा भोपाली को अच्छा फेम कहाँ से मिला हुआ था, कहाँ से उनकी बातचीत और जान पहचान बनी थी, तो वो है मूवी शोले। शोले मूवी से उनकी अच्छी खासी बॉलीवुड में जान पहचान बनी हुई थी, उनको सब जानने लगे थे कि हाँ भाई, सुरमा भोपाली, वैसे उनका जगदीप नाम था पर सुरमा भोपाली के नाम से ही उनको सब जानने लगे, क्योंकि शोले में एक सुपर डुपर हिट मूवी गई थी उस टाइम की, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की ये मूवी थी। आपको पता ही होगा, गब्बर का भी रोल इसमें निभाया गया था अच्छा खासा, तो पूरे कैरेक्टर बहुत अच्छे खासे थे जितने भी थे, तो उसमें एक सुरमा भोपाली का भी नाम आता है, तो उसी से ये फेमस हुए थे। और मिथुन दा के साथ भी, और कई लोगों के साथ भी उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्म दी हुई हैं। तो मुझे लगा दोस्तों, आप सबको ये चीज़ बतानी चाहिए।